देखिएगा 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और इसकी फोर्थ एक्सरसाइज ये कहता है एक कोन है, इस कोन को अगर यहाँ से बीच से पैरेलल काट देते हैं तो दो हिस्से बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अलग से लिख दिया जो कि क्या बोला जाएगा, फ्रस्टम। इसके दो एंड बनेंगे, एक ये और एक ये नीचे वाला। अब ये जो एंड है ये सर्कुलर एंड है, ये भी सर्कुलर एंड, तो इस सर्कल की रेडियस आर वन मान ली, इस सर्कल की रेडियस आर टू, इस फ्रस्टम की हाइट एच और स्लेंट हाइट है एल है। तो ये लेंथ आपके पास आर वन है तो ये लेंथ भी आर वन, तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी आर टू माइनस आर वन, और ये हाइट एच है तो यहाँ से स्लेंट हाइट निकल जाएगी। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब, तो स्लेंट हाइट निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके बाद क्या कहता है, हम फॉर्मूला निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला होगा जैसे कोन का होता है 1/3 πr² h, तो r स्क्वेयर की जगह पे लेना आपने r1 स्क्वेयर प्लस में r2 स्क्वेयर प्लस में r1 इनटू में r2। ठीक, अब इसका कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो r की जगह पे यहाँ पर लेना आपने r1 प्लस r2 इनटू में l। ये स्लेंट हाइट निकालने का आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर, ये एच का स्क्वेयर, और ये बन जाएगी इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ घटा देंगे, ये आपके पास है आर वन है और ये आर टू है, तो आर टू माइनस आर वन बोले स्क्वेयर। अब टोटल सरफेस एरिया होगा, जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है इसके अंदर ऊपर का और नीचे का हिस्सा और जोड़ देते हैं। ऊपर भी आपके पास सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस में नीचे वाले सर्कल का एरिया, यह फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा जो कि आपके बुक्स के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन हाइट 14 सेंटीमीटर। देखिएगा आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या आता है, स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर। तो एक का पेरीमीटर दो एंड दे रखें, एक का पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है, दूसरे का पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर। जब इसका पेरीमीटर ये आपके पास किस शेप में है, देखिएगा एंड है ये सर्कुलर शेप में है, ये भी सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। एक साइड की रेडियस r1 है तो 2πr1, दूसरे साइड की रेडियस r2 है तो 2πr2, तो 2πr1 आ जाएगा 18 और 2πr2 आ जाएगा 6। तो यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल लेंगे 2π डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से r2 की वैल्यू निकाल लेंगे 2π भी डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से एक रेडियस आ जाएगी 63/22 और दूसरी रेडियस आ जाएगी 21/22 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर वन आपने यहाँ से निकाल दी 63/22, आर टू निकाल दी 21/22, इंटू में स्लेंट हाइट दे रखी 4, इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, फिगर दे रखा है, देखिएगा ये कैप है, इस कैप यहाँ से आपके पास कपड़ा लगा हुआ है, इसके चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ है, इस साइड से ओपन है, ठीक है, तो ये सर्कुलर एंड है, ये सर्कुलर एंड है, तो इसके अंदर देखिएगा क्या कहता है, इस सर्कुलर एंड की रेडियस आर वन मान ली, इस सर्कुलर एंड की रेडियस आर टू मान ली, तो कहता है जो कैप है उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, एक रेडियस दे रखिए 4 सेंटीमीटर, एक रेडियस दे रखिए 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर साइड वाली से ही आपके पास खुला है, तो इसके अंदर कितना मेटल यूज हुआ होगा वो आपने निकालना है। तो एरिया ऑफ द मेटल यूज क्या होगा, एक तो इसके कर्व सरफेस एरिया के अंदर मेटल लगी है और एक इस सरफेस के ऊपर मेटल लगी है, तो ये जो सरफेस है आपके पास, ये कर्व सरफेस है, ये जो सरफेस है सॉरी सर्कुलर शेप है, तो इस सर्कल का एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों जुड़ जाएंगे, तो मेटल यूज होगी वो क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द टॉप। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू में आर वन प्लस आर टू इंटू एल, और ये जो सरफेस है इसका एरिया आ जाएगा पाई आर ए स्क्वेयर, आर की जगह पे ये आर टू है, तो आर वन दे रखी है आपके पास 10, आर टू है 4 और एच है आपके पास 15, ये वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 710.28 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं सारी कर रखी है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या कहता है, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट,
इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोनोफाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स 8 and 20 सेंटीमीटर। देखिएगा ये एक कंटेनर है जिसकी हाई फ्रस्टम की शेप में है, एक रेडियस आपके पास 20 सेंटीमीटर, नीचे की रेडियस दूसरी रेडियस दे रखी 8 सेंटीमीटर, ऊपर से ये खुला है, इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर और इसके अंदर मिल्क डाला गया है। तो इसके अंदर कितना मिल्क आएगा, जितना इस फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन कंटेनर, तो इस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा तो इस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। और ये फ्रस्टम का है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πh इंटू r1² + r2² + r1 × r2। तो ये वैल्यू रख देंगे 1/3 π की वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू में h हाइट है 16, r1 है 20 का स्क्वेयर, r2 है 4 का स्क्वेयर, r1 गुणा में r2 160 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसके बाद कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर। क्या कहता है, एक लीटर का कर जो खर्चा है वो 20 रुपये है, तो इसके अंदर कितना मिल्क आएगा उसके जितना लीटर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 10.449 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 10.45 इतना लीटर। एक लीटर का खर्चा है 20 रुपये, तो 10.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 209 रुपये खर्चा आ जाएगा। इसके बाद एक और बात पूछी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, इस कंटेनर को बनाने में कितनी मेटल शीट यूज हुई है। तो सेम टू सेम मेटल यूज वही होगी आपके पास, इसका कर्व सरफेस एरिया और नीचे से भरा हुआ है इसका एरिया, तो इस सर्कल का एरिया प्लस में कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लेंट हाइट चाहिए और स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = h² + r1 - r2² तो h कितना है 16, उसका स्क्वेयर प्लस में r1 - r2, r1 कितना आपके पास ये 20 और r2 कितना 8, तो 20 माइनस में 8 का स्क्वेयर तो ये आपके पास 12 का स्क्वेयर, तो 16 का स्क्वेयर जमा 12 का स्क्वेयर 400 आ जाएगा, स्क्वेयर रूट कर देते हैं तो 20 सेंटीमीटर, तो स्लेंट हाइट आ गई इसकी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालते हैं एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, इसके अंदर कितनी मेटल शीट यूज होगी, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है प्लस में एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा तो सर्कल का एरिया होगा π (r²), बेस की रेडियस हम r2 लेके चल रहे हैं तो r2 का स्क्वेयर, और कर्व सरफेस एरिया होगा π (r1 + r2 × l), तो r1 है आपके पास 20, r2 है आपके पास 8, तो ये वैल्यू रख देंगे, स्लेंट हाइट है 20, इसको सोल्व कर लेंगे आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आ जाएगा। अब ये इसके बाद क्या बताया, इसने कोस्ट है इसकी 8/100 cm², अगर 100 cm² एरिया है तो उसका रुपये 8 रुपये खर्चा है, तो जितना सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और 100 पे आपके पास 1 रुपये है तो इसका मतलब क्या 100 cm/8, 100 cm² के ऊपर 8 रुपये खर्चा है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास खर्चा आ जाएगा इतने रुपए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर हुज वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। देखिएगा आपके पास ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, इस राइट सर्कुलर कोन की आपके पास 20 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री, तो जब ये आपके पास 60 डिग्री है वर्टिकल तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। तो क्या कहता है, दो इसके दो बीच से दो हिस्से कर दिए, बीच से इसके दो हिस्से कर देंगे तो ये हाइट 10 बच जाएगी और ये हाइट भी 10 बच जाएगी, तो ए डी ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी हाइट है 20, तो ए डी 10, डी बी ये बी पॉइंट, ये भी 10 बच जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये रेडियस निकाल लेंगे, इस पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये रेडियस निकाल लेंगे भाई,
तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अपोन में ये, अगर ये आपके पास एंगल 30 डिग्री है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपोन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ट्रेंगल ए बी सी के अंदर टेन 30 आ जाएगा, बी सी अपोन में ए बी, ए बी की वैल्यू 20 दे रखी है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 20 बटे रूट 3। तो इस पूरी ट्रेंगल के अंदर बी सी आ जाएगा और इस ट्रेंगल के अंदर डी ई आ जाएगा। तो जो डी ई है वो आपके पास ये रेडियस हो जाएगी, बी सी आपके पास ये रेडियस आ जाएगी, ये दोनों रेडियस आने के बाद आपके पास वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकाल देंगे। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई इंटू R1² + R2² इंटू में एच। तो इससे हम आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा 22,000/9 cm³। क्या कहता है, इफ़ द फ्रस्टम सोप टेंट बी ड्रॉन इन टू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 cm। तो कहता है जो फ्रस्टम है, ये जो फ्रस्टम है आपके पास एक तार से बनाई गई है और उस तार का डायमीटर है 1/16 cm। तो तार का डायमीटर 1/16 cm है, तो तार की रेडियस आ जाएगी 1/32 cm। तो इसके अंदर कितना तार आएगा आपके पास, उस तार की लंबाई आपने निकालनी है। तो तार की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं 8 cm। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो तार का वॉल्यूम है वो इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे। तो तार का आपके पास, तार की शेप क्या होती है भाई, सिलेंड्रिकल शेप। तो तार का वॉल्यूम होगा πr²h, r उसकी रेडियस दे रखी है 1/16 डायमीटर है, तो रेडियस आ जाएगी 1/32। तो 22/7 गुणा में 1/32 गुणा में 1/32 गुणा में h, 22,000/9। यहाँ से सोल्व करके h की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपके पास लेंथ ऑफ ए वायर आ जाएगी। ये आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज होगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।